कोडरमा जिले से है, जहां सिमरिया एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री का विरोध करना अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा को महंगा पड़ सकता है। दरअसल तहसीलदार ने अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा को नोटिस भेजा है, जिसमें उनके द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने की बात कही गई है। नोटिस मिलते ही अधिवक्ता की हालत बिगड़ी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि राजकुमार मिश्रा ने एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के क्रियाकलापों का विरोध किया था और बताया था कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा खुले मंच से भी प्रशासनिक व्यवस्था पर उंगली उठाते रहे हैं, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तहसीलदार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए झूठे मामलों से लेकर कई तरह की कार्यवाहियां की गई हैं। वही नोटिस मिलते ही अधिवक्ता की हालत बिगड़ी है, जिनका उपचार किया जा रहा है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा ने क्या जानकारी दी है। हाँ भैया पांडे जी, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम जी। बताएं कैसे नोटिस मिली है आपको, क्या मामला है पूरा, क्यों आके नोटिस देके दबाव बनाया जा रहा है? जी क्या है कि मैं पड़वारी हल्का भमरा का पूर्व निवासी हूँ जी, और पड़वारी हल्का भमरा में मऊजा कोलौरा भी शामिल था जी। तो 1983 से हम यहाँ पर घर बना करके आबाद हो गए थे मऊजा कोलौरा में जी, और हमारा तहसीलदार के आर्डर से कब्जा दर्ज होने का आदेश भी है जी। और हमारी अराजी जहाँ घर बना है वो 5/1 नंबर है, वो कलेक्टर साहब के द्वारा आबादी घोषित करा दी गई है जी। अब हम लोग बसे हैं, घर बना है, कोई आम निस्तार प्रभावित नहीं है, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्षों बाद कैसे एसडीएम साहब को याद आया, तहसीलदार को भी नोटिस आपको दिया, क्या कारण है? क्या है कि एसडीएम साहब से हमारा एक केस में बातचीत हो गई रही, वाद विवाद हुआ जी। उस केस में उन्होंने हमको असभ्य भाषा से, अश्लील भाषा से बोलना शुरू किया जी। हमें डेस्क में अपने अपमानित किया। एक उस प्रकरण में हम पीड़ित होकर के कलेक्टर कमिश्नर साहब के पास शिकायत भेजा जी। तो वो हमारे ऊपर अब द्वेष भावना में आकर के हमारे घर गिराने की कार्यवाही करा रहे हैं तहसीलदार से मिल करके। अभी आपकी तुझ तबीयत बिगड़ी, क्या है, कैसे इसकी क्या हुआ आपको? जी हाँ, कल हमारे घर को गिराने के संबंध में एसडीएम साहब ने नोटिस भेजवाया है हाँ। और उस नोटिस में हमारे घर में चस्पा करा भी दी गई है जी। तब से हमारा तबीयत सही नहीं है, हमारे सीने में दर्द है और बेचैनी सी बन रही है, घबराहट बन रही, सदमे में आ गए कुल मिलाकर हम। क्या लगता है कि आपको मुंह बंद करने के लिए, शांत रहने के लिए सब ये प्रपंच किया जा रहा है, नोटिस सुनाई जा रही है? अब क्या बताऊं, प्रपंच किया जा रहा है कि हमारे घर गिरवा रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हैं। तो अभी आप किसी से बात की, कलेक्टर से और किसी से बात हुई आपकी? अभी मैं किसी से बात नहीं किया हूँ, नकल का आवेदन लगाया हूँ यहाँ कार्यालय में, जो फाइल चलाया इन्होंने हमारे अतिक्रमण का जी। अब यहाँ पर सिमरिया के तहसील के सामने, मतलब एक अपराधी टाइप के व्यक्ति का घर बना हुआ 2 मंजिला, तो उस पर एसडीएम साहब की निगाह नहीं है, न तहसीलदार की निगाह है। जो वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष है राजेंद्र विश्वकर्मा, उनका घर लक्ष्मण बाग संस्थान के भूमि में बना हुआ है, बहुमंजिला इमारत बनी हुई है। ये लोग संरक्षण प्राप्त है क्या? जी हाँ, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है एसडीएम साहब को, और ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा के लोगों को बचाव करना, बाकी लोगों को दमन करना इनकी आदत में बात है। तो अब आगे आप क्या करेंगे, आपके घर गिरवाने की तैयारी है, आपको नोटिस दे दी गई है, बताओ क्या करेंगे आप? अब मैं राजस्व अधिकारियों के समक्ष निवेदन करूंगा कि भाई इस प्रकार का इन्होंने हमारे खिलाफ जालसाजी कार्य किया है, और साथ में हम विवश होकर के सिविल कोर्ट जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी की तो बचाएंगे, और जो भी क्षति है, शारीरिक मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति, उसका दावा करेंगे इनके ऊपर। एक महिला भी आवाज उठाई थी, उसने भी आरोप लगाया था, तो उसको भी नोटिस दी गई थी, फिर बाद में पता चला कि फर्जी नोटिस। तो ऐसा तो नहीं कि कोई नोटिस देकर क्या लगा आपको पता किया? नहीं, नोटिस फर्जी नहीं है, कार्यालय में नोटिस दर्ज है, वहाँ फाइल भी चल रही है। मैं नोटिस भेजा हूँ आपको, देख ले, प्रकरण क्रमांक 13A/68, वो फाइल भी दर्ज है। कुल मिलाकर जो विरोध चल रहा है, उसी विरोध को देखते हुए आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो भी जैसा हो सकता है, यही पहल हो, या हमारा घर गिरवा दें। अब वो कल हमको धमकी दिए भी हेमू जवानी, बोले कि कार्रवाई तुम्हारे ऊपर होगी,
वकील हो तो क्या ऐसा थोड़ा अलाउ हुआ कि सरकारी जमीन में तमाम घर बना लोगे। तो हमने कहा कि अपराधी सरगना जो है माफिया, उसके ऊपर आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखते। यदि आप ड्यूटी करते हो ईमान और धर्म से तो इनके ऊपर कार्रवाई करो, हमारे ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो। चलिए आप बिल्कुल उपचार करवाइए अपना, मैं आपकी आवाज पहुंचाता हूं। जी सर थोड़ा मदद करें, हम पीड़ित हैं, बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी आवाज पहुंचाता हूं। फोटो नहीं लेनी, फोटो नहीं तबियत सही नहीं है काल से। डीएम साहब हमका धमकी दिए घर गिरवा देंगे, नोटिस भिजवाए हमारे घर की घर गिराने के लिए, सबसे तबियत हमारी बिगड़ी है, सीना में दर्द हो रहा है, जी चकरा रहा है, काल धमकी दी नहीं नोटिस भिजवाई थी, काल से तबियत गड़बड़ ही, दवाई लिया ने आराम नहीं आया, डॉक्टर साहब रेफर करी नहीं रीवा खातिर। अरे बड़ी दिक्कत ही तबीयत में, तो अंदर घबराहट ही घबराहट हो रही है, जीव मछला चक्कर मारी से गिर गए है, डॉक्टर साहब रेफर करी नहीं रीवा खातिर, बोले ईसीजी करवा लो। और काफी मंत्री और